खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से पास्टर साकिब मुनव्वर की तरफ से सलाम पहुंचे। मेरा दिल नहायत खुशी से मामूर है कि आप खुदा के कलाम से प्यार करते हैं और आप खुदा के कलाम को सुनना पसंद करते हैं, और इसका सबूत आपका आने वाला फीडबैक है जो मुझे मैसेंजर पर, जो मेरे फ़ोन पर और जो मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मिलता रहता है। मैं खुदा उनके नाम को सारा इज्जत और जलाल दे। पलक के घराने का और बड़ा मालदार था और उसका नाम बोएज था। सो मुआबी रूत ने नाओमी से कहा, मुझे इजाजत दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई कर्म की नजर मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। उसने उसे कहा, जा मेरी बेटी। सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बालें चुनने लगी और इत्तफाक से वो बोएज ही के खेत के हिस्सा में जा पहुंची जो अली मलक के खानदान का था। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे। नाज़रीन, आगाज में मैं इस बात का भी शुक्रगुजार हूं कि पिछले सारे पैगामात को आप सुना रहे हैं और इसके लिए सारा इज्जत और जलाल फिर से मैं खुदा के कदूस नाम को देता हूं। दूसरे बाप का जब हम आगाज किया चाहते हैं तो मैं दूसरे बाप का खाका आपके गोश गुजार जरूर करना चाहूंगा। जो मेरे पास बाइबल है जिसे मैं इस्तेमाल करता हूं, आत्शी बाइबल, उसमें जो सफा नंबर 455 है उस पर इसका जो खाका दिया गया है दूसरे बाब का, पहले मैं वो आपके साथ शेयर कर लूं और फिर एक और किताब से इसका खाका भी मैं आपके साथ बयान करूंगा। इसमें रूत की बोए से फसल काटने के खेत में मुलाकात के नाम से हेडिंग या सरनामा दिया गया है, और इसमें पहली 7 आयात में रूत के काम का आगाज, फिर दूसरा हिस्सा 8वीं आयत मुबारक से 16वीं आयत मुबारक तक बोएज की रूत पर मेहरबानी, और तीसरा हिस्सा है जो दूसरे बाब की 17वीं आयत मुबारक से 23वीं आयत मुबारक तक जाता है, और वो है रूत का नौमी को बोएज से मुलाकात का अहवाल बताना। ये तीन वाक्यात को इन्होंने इस खाके में डाला है या इसको बयान किया है। और एक और किताब जिसमें से मैं आपकी गोश गुजार करना चाहूंगा, ये किताब है रफीकुल किताब, और ये चर्च फाउंडेशन सेमिनार्स की तरफ से है, और ये पूरी बाइबल मुकद्दस की पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक उसकी सारी जो किताब है अबवाब के हिसाब से उन्होंने इसके खाके बनाए हैं। तो मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ, अगर आपको खुदा वसाइल दे और जौक के शौक दे और इल्म का इल्म हासिल करने का जौक दे तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, खरीदिएगा, हासिल कीजिएगा ताकि आप इसे जान सके। ये खुदाम के लिए बड़ी फ़ायदेमंद किताब है। तो यहां पर दूसरे बाब की जो पहली 2 आयात हैं उसके मुताबिक इसमें जो इन्होंने खाका बनाया बड़ा ही खूबसूरत है, वो है कि रूत का नस्बुलैन। रूत रजा कराना तौर पर अपने आप को पेश करती है ताकि वो किसी मेहरबान किसान के खेतों से बालें चुने ताकि नौमी और उसके इसके लिए खाने को खुराक हो। और दूसरा हिस्सा उन्होंने बनाया है बोएज से मुलाकात जो 3री आयत से 17वीं आयत तक जाता है। इसमें उन्होंने आगे मजीद 2 हिस्से किए हैं, रूत से उसका आमना सामना, जिसमें पहला हिस्सा रखा है हालात, जो ही रूत बालें चुनने के लिए रवाना होती है वो एक दौलतमंद शख्स बनाम बोएज के खेत का इंतखाब करती है। बोएज खेत में पहुंचता है, रूत के बारे में दरियाफ्त करता है, फिर इसका दूसरा हिस्सा गुफ्तगू है। बोएज से कहता है कि उसके खेत में बालें चुनती रहे और किसी और के खेत में ना जाए। वो रूत की तारीफ करता है कि वो नौमी के साथ मेहरबानी से पेश आती है। दूसरा हिस्सा या दूसरा जो नुक्ता इसको बयान किया गया रूत के लिए उसकी हौसला अफजाई जो 14वीं आयत से 17वीं आयत तक होगा, इसमें भी आगे उन्होंने मजीद 2 हिस्से किए हैं। अलफ है दावत, बोएज रूत से कहता है कि उसी खाने में से खाए जो उसने फसल काटने वालों के लिए मुहैया किया है, और बे हिस्सा है हदायत, बोएज अपने कारिंदों को हदायत करता है कि रूत के लिए खेत में जौ की बहुत सी बालें छोड़ दें। और इसका जीम हिस्सा है नौमी का ताजुब, दूसरे बाब की 18वीं आयत से 23वीं आयत तक। घर पहुंचकर रूत नौमी को बोएज की मेहरबानी के बारे में बताती है, नौमी बोएज के लिए बरकत की दुआ मांगती है और रूत को बताती है कि वो हमारे करीबी रिश्ता का है जो इससे ब्याह कर सकता है। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, मैंने ये खाका इस किताब से पढ़ा है जिसका नाम रफीकुल किताब है, और ये चर्च फाउंडेशन सेमिनार की तरफ से शायद की गई है, और आप इसको हासिल कर सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, बड़ी मुफीद किताब है। नाज़रीन, हम खुदावंद के कलाम की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो हवाले हमने पढ़े उन बातों को भी हम यहाँ पर सीखने और जानने की कोशिश करेंगे। और 3 आयात आज हमने पढ़ी हैं, और इन्हीं 3 आयात ही में हम रहते हुए खुदा के कलाम को जानने और सीखने की
कोशिश करेंगे। आज इसमें हम एक ब्यूटीफुल डॉटर को देखेंगे, एक जो फर्शनास बहू या फर्शनास बेटी के किरदार को किस तरह कमजोर बुनियादों पर एक बहुत मजबूत बिल्डिंग खड़ी करता है, और फिर छोटी चीजों को खुदा किस तरह बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है, और फिर वो लोग जिन्हें जो अपने आप को कुछ नहीं समझते और जो अपने आप को आजिज समझते हैं या अपने आप को दूसरों से कमतर समझते हैं, जब वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द कर देते हैं तो खुदा किस तरह से उन्हें सरफराज करता है, उन्हें उठाता है की, और खुदा का रूह शुरू में उसके साथ रहा लेकिन बाद में उसकी नाफरमानी की वजह से खुदा का रूह उससे जुदा हो गया, और फिर खुदा ने दाऊद को जो उसके दिल के मुआफिक था सैमुएल के वसीला से चुना, उसे मसा और मखसूस किया गया। तो याद रखिएगा, खुदा छोटों को इस्तेमाल करता है और अपने बड़े बड़े काम उनसे कराता है ताकि हकीम और उम्रा जो है वो शर्मिंदा हो और खुदा हम जैसे निकम्मों हकीरों और बेवजूदों को चुनता है। ये पौलुस रसूल के खत की बात है जो मैं अभी आपके गोश गुजार कर रहा हूं। तो नाज़रीन, हम इन तीन आयात की तरफ ध्यान लगाएंगे कि किस तरह हमारा खुदा हम पर अपने रहम और फज़ल वाले हाथ को बढ़ाता है। रूत की किताब का दूसरा बाब मुकम्मल तौर पर खुदा के फज़ल और उसकी परवरदिगारी का ऐलान करता है, और फज़ल और परवरदिगारी ये दो बड़े खास मौजू है जिन्हें जानना समझना हमारे लिए बड़ा ही आम है, क्योंकि परवरदिगार होते हुए जब हम खुदा को रद्द करते हैं और उसकी सही तौर पर परवरदिगारी से वाकफियत नहीं रख पाते तो फिर हमें कई बार मिसाइल का सामना करना पड़ता है और हम परेशान हाल हो जाते हैं। इसलिए हम खुदावन को सारा इज्जत और जलाल देंगे। मैं शुक्रगुजार हूं मुबशर इंजील रजाक सादिक साहब का जो कैमरा पर इस खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और मुकम्मल तौर पर सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं। तो खुदा के फजल और उसकी परवरदिगारी की बात की जा रही है। तो खुदा का फजल है जो मैंने पहली बात जिससे आगाज लिया कि खुदा छोटों को बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करता है, खुदा कमजोर बुनियादों पर बड़ी बड़ी अमारात खड़ी करता है ताकि लोग हैरान हो, क्योंकि वो अजीब खुदा है जिसके काम ना मेरी समझ में आ सकते हैं ना आपकी समझ में आ सकते हैं, अनटिल अनलेस जब तक हमारा खुदा खुद उन्हें हम तक समझाए ना, हम तक पहुंचाए ना, और उसके लिए हमारे फहम और हमारे जहन को रोशन ना करे। इसलिए हमें खुदा के हाथ में अपने आप को रखना है और उसके फजल और उसकी परवरदिगारी को ज्यादा से ज्यादा जानने की जरूरत है। खुदा का फजल सबके लिए आम है लेकिन इसको वही लोग हासिल कर सकते हैं जो दिल से खुदा की कुदरत अजमत और हशमत पर यकीन रखते हैं। मैं दोबारा से दोहराता हूं कि फजल सबके लिए आम है लेकिन मिलता उन्हीं को है जो खुदा की कुदरत उसकी इज्जत उसकी हशमत और उसकी अजमत पर यकीन रखते हैं। अब जब फजल की बात की जा रही है तो फजल दो तरह का है, फजल दो तरह का है, और फजल का जो पहला हिस्सा है या पहली तरह का जो फजल है हम उसे आम फजल कहते हैं। आप पूरी दुनिया में पूरी कायनात में देख लें, खुदा हर कौम हर कबीले हर मजहब के शख्स को, वो बहन है भाई है वो मर्द है औरत है वो जवान है वो बूढ़ा है, सबको बिला इम्तियाज बिला रंगो नस्ल खुदा अपनी कुदरत से उनकी जरूरतें पूरी करता है, ना सिर्फ जरूरतें बल्कि उनकी ख्वाहिशें भी पूरी करता है, और ये खुदा का आम फजल। लेकिन दूसरा हिस्सा खुदा का फजल है जिसे हम खास फजल कहते हैं, और खुदा के ये खास फजल उसके अपने लोगों पर है जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उस पर तवक्कुल रखते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उसे अपनी जिंदगी का आका मालिक और मौला जानते हैं, जिस पर वो मुकम्मल तौर पर इन्हेसार करते हैं। और हमारा खुदा किसी भी शख्स को अपने पास से खाली हाथ जाने नहीं देता। इसलिए बाइबल मुकद्दस में एक जगह पर ज़बूर शायद यूं लिखता है कि ऐ दुआओं के सुनने वाले सब बशर तेरे ही पास आएंगे। तो हमारा खुदा सारी दुनिया के सारी कायनात के सारे बनीनो इंसान और सारी मखलूकात के लिए अपने फजल को जारी किए हुए है, लेकिन हम यहां खास फजल की बात करें। इस वाक्य में रूथ एक ऐसा किरदार है जिसने सच्चे दिल से खुदा की परवरदिगारी पर भरोसा रखा, और न सिर्फ उसने भरोसा रखा बल्कि उसने उस पर यकीन और तवक्कुल का एक ऐसा खूबसूरत मेयार कायम किया जो आने वाली नस्लों के लिए काबिले तकलीद रहेगा। नौमी की तरह वो भी एक बेवा थी,
नौमी और रूथ दोनों बेवा थी, बल्कि उसने जवानी में बेवगी का दुख उठाया, उसका जवान खावंद उसकी जवानी में उससे जुदा हो गया। लेकिन जब उसने खुदा को जान लिया, उसे पुरफजल परवरदिगार के तौर पर उसने पहचान लिया। अब रोमियों के खत में उसके पहले बाब में लिखा है, उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसके खुदाई के लायक उसकी इज्जत और तमजीद ना की। देख ले किस तरह मुख्तसर से अरसे में एक मुआबी औरत जो कमूश और दूसरे देवताओं की इबादत और पूजा और बंदगी करने वाली खातून या औरत थी, उसने चंद सालों में अपने खावन और अपनी सास और अपने ससुर या अपने जेठ अपने दीगर अफराद के घर के जो अफराद थे उनसे खुदा की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से जाना सीखा, उनकी रस्म रवाज, उनके पहनावे, उनके उतार चढ़ाव को, उनके तमाम तौर अतवार को उसने देखा और उसने फिर खुदा को अपना खुदा, अपना बादशाह, अपना निजात हिंदा जान लिया। इसलिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपनी सास के और फिर अपने खुदा के सुपुर्द करने से बाज नहीं आती और ये ऐलान करती है कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। उसने जब खुदा को जान लिया है तो उसने खुदा की खुदाई के लायक उसकी तमजीद भी की है, उसकी तकलीद भी की है, उसकी पैरवी भी की है और अपने आपको मुकम्मल तौर पर, अपने मुस्तकबिल को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द किया है। लेकिन थोड़ा सा तौकफ करते हुए अगर मैं और आप अपनी जात पर गौर करें, हम जो ईमानदार कहलाते हैं, हम जो खुदा के बेटे और बेटियां होने का दावा करते हैं और इस्तेहकाक रखते हैं, हम जब मुसीबत या परेशानी या दुख या तकलीफ में होते हैं तो हम खुदा पर ईमान नहीं रखते, हम इधर उधर टक्करें मारते हैं, हम इधर दूसरे दरवाजे नॉक करते हैं, खटखटाते हैं, शायद ये इंसान, शायद ये शख्स, शायद ये अमीर, शायद ये अदारा, शायद ये मिनिस्ट्री, शायद ये घोड़ा हमें वसाइल दे देगा और हमें अपलिफ्ट करेगा, हमें सरफराज करने का जरिया बन जाएगा। लेकिन हमारा खुदा हमारा परवरदिगार है, हमें उसके फजल पर कामिल और मुकम्मल भरोसा करना है और इसकी खूबसूरत मिसाल हमें रूथ की इस किताब में नजर आती है। उसने खुदा को जाना और फिर उस पर पूरा पूरा तवक्कुल किया। उसने अपने मुस्तकबिल को नहीं देखा, उसने अपने मुस्तकबिल के मामलात को नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा कि इसराइल के लोग मुआबियों से नफरत करते हैं, उसने ये नहीं देखा कि इसराइल के लोग मुआबियों के दुश्मन है, मैं वहां पर किस हालत में रहूंगी, मुझे किस तरह ट्रीट किया जाएगा। उसने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ खुदा के सुपुर्द किया और ये उसके ईमान की खूबसूरत मिसाल है। इसलिए हमें वो मायूस भी नजर नहीं आती, रूथ की तरह नौमी की तरह रूथ हमें मायूस नजर नहीं आती और ना खुदा के ऊपर वो इल्जाम लगा रही है कि खुदा का हाथ मेरे खिलाफ बड़ा हुआ है। वो नौमी की मारे अपनी बदकिस्मती का रोना भी रोती हुई हमें नजर नहीं आती, उसने मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुद को खुदा के सुपुर्द कर दिया है और खुदा की शफकत का हाथ उस पर वाज़ेह तौर पर हमें नजर आता है और उसे भी इस बात का एहसास रहता है। नाज़रीन जिंदा खुदा, कादिर मुतलक खुदा, यावे खुदा जो आसमान की बुलंदियों पर मुकीम है, क्योंकि किताब मुकद्दस में ये लिखा है आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी है, जो आसमान की बुलंदियों पर मुकीम है अपने फजल के अमली इजहार के लिए लोगों को चुनना और इस्तेमाल करना हमसे बाखूबी जानता है। दूसरे बाब की पहली आयत में हम एक नए शख्स से मुतारिफ होते हैं और खूबसूरत बात यह है कि इस किताब का मुसन्निफ वॉइस के आने से पहले उसका तारुफ करवाता है। अब मुझे याद नहीं पड़ता किस जगह से, लेकिन एक खूबसूरत मैंने बात सुनी और वो ये है कि अच्छे लोगों का जो जिक्र है उनके आने से पहले हो जाता है, अच्छे लोग अपने आने से पहले अपनी बड़ाई और अपनी पॉपुलैरिटी जो है उसको जान लेते हैं, उन्हें वो मिल जाती है क्योंकि खुदा की फेवर, खुदा के चेहरे का नूर उन पर होता है। और यहां पर भी हमें यही नजर आता है, अभी बॉयज सामने नहीं आया, अभी बॉयज इस वाक्य में हमें अमली तौर पर कार फरमा नजर नहीं आता, लेकिन इस किताब का मुसन्निफ जो है वो उसका नाम, उसका तारफ, उसकी हैसियत और उसकी मुआशरती जो पहचान है वो पहले करवा रहा है। और ये एक बड़ी खूबसूरत बात है जो रूथ और नौमी के लिए खुदा का ठहराया हुआ वसीला बनता है। इस शख्स का नाम बॉयज है, बॉयज का लफ्जी मतलब है उसमें ताकत और कुवत है,
या इसे यूं भी कह सकते हैं खुदा में ताकत और कुवत है। पहली आयत मैं जैसे अर्ज किया बॉयज के तारुफ पर मबनी है। बॉयज नौमी के शोहर अली मलक का एक रिश्तेदार है। इस वाक्य के तसलसल और वाकयात की इस तरतीब के लिहाज से मुसन्निफ खूबसूरती से उसका तारुफ करवाता है जो इसकी अहमियत को और भी ज्यादा वाजे करते हैं। अली मलक के घराने के उस शख्स के बारे में लिखा है कि वो बड़ा मालदार था। इसे फौरी तौर पर यह तासुर मिलता है कि वो साहिब हैसियत साहिब जायदाद और दौलतमंद शख्स था। और इब्रानी जबान में लफ्ज दरअसल दो अल्फाज का मजमुआ है यानी गिबार हायल। गिबार हायल ये इब्रानी दो अल्फाज है इनका मजमुआ है जिसके लिए मालदार का लफ्ज या तर्जुमा जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अब गिबार का जो मतलब है उसका मतलब है मजबूत ताकतवर और जोर आवर शख्स जो बड़े बड़े मामलात का बोझ उठा सकता हो और दूसरों पर सबकत रखता हो। ऐसे शख्स को हम हीरो या सूरमा भी कह सकते हैं। यही लफ्ज फौजी हवाले से या अस्करी खिदमत में ताकत को भी जाहिर करता है। इस मुरक्कब लफ्ज का दूसरा हिस्सा जो है वो हायल है। ये आमतौर पर फौजी या जंगजू की ताकत और उसकी कुव्वत को ये जाहिर करता है। दौलत और जायदाद की बहतात और फरावानी को भी इस लफ्ज से जाहिर किया जा सकता है। अबरानी मतन के इस मुरक्कब लफ्ज को हम ये जान सकते हैं, इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बोइस मुआशरती तौर पर मुआशी तौर पर समाजी लिहाज से साहिब हैसियत शख्स था। यह बात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि यही लफ्ज गिबार बाइबल मुकद्दस में ELL के इजाफा के साथ खुदा और खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। अगर यशाया 10वां बाब उसकी 21वीं आयत में आपके सामने पढ़ूं तो यहां पर खुदा के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और जिसमें एल गैबोर लफ्ज जो है अबरानी में इस्तेमाल हुआ है। तो यशाया 10वां बाब उसकी 21वीं आयत में आपके सामने पढ़ा चाहता हूं। एक बकिया यानी याकूब का बकिया खुदाए कादिर की तरफ फिरेगा। यहां पर खुदाए कादिर के लिए जो इब्रानी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो एल गेबूर है और ये खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है। और इसी यशाया की किताब में यशाया के सहीफे के 9वें बाब की 6वीं आयत में यीशु मसीह के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर खुदाई कादिर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा। यहां पर यीशु मसीह के लिए भी खुदाई कादिर एल गैबोर का इजाफा या लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो ये वो लफ्ज है जो गिबोर है इसके साथ एल लगा दें तो वो खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है। कुजात 6 बाब की अगर 12वीं आयत मुबारका को पढ़ें तो जिदाउन को भी जबरदस्त सूरमा कहा गया है। वहां भी इब्रानी मतन में गिबोर ही इस्तेमाल हुआ है। हम कह सकते हैं कि दूसरे बाब की पहली आयत में बॉयज का तारुफ नौमी और रूत के सख्त दिन बदलने की तरफ एक वाज़े इशारा है और आइंदा आयात में हम इस जबरदस्त शख्स की वजह से एक खुशगवार तब्दीली को देखेंगे। नाज़रीन मैं आपके सामने एक बात बड़ी आजी के साथ गोश गुजार करना चाहूंगा कि ये जो किन्समैन है, ये जो शराकती है, ये जो करीब का रिश्तेदार है, ये किस खूबसूरती के साथ आगे हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो खुदा यीशु मसीह का एक अक्स पेश करता है कि यीशु मसीह भी इसराइल का एक करीबी रिश्तेदार मुतसव्वर होता है। मैं सिंबॉलिकली इस्तराती तौर पर यह बात कर रहा हूं। हमारा खुदा यीशु मसीह भी जब आया तो उसने अपनी दौलत से इन सारी चीजों को छुड़ाया और उसने सब चीजों को रिस्टोर किया, उसने बहाल किया। हमारे खोए हुए मुकाम को खुदा यीशु मसीह ने आके हाल के, अगर आपको याद हो वो औरत जो 18 बरस के करीब हुई कुबड़ी थी, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर अपना हाथ रखा तो उसका कुबड़ापन जाता रहा। नाज़रीन अगर आप गौर करें इस सारी कायनात में तो खुदा ने सिर्फ एक मखलूक ऐसी बनाई है जो बिल्कुल तनकर सीधी खड़ी होती है और बाकी जो जानवर है वो बिल्कुल नीचे की तरफ झुके होते हैं। जो परिंदे होते हैं उनका भी झुकाव नीचे की तरफ होता है लेकिन इंसान है जो सीधा खड़ा होता है। और आपने कई बार ये जुमला पढ़ा होगा, सुना होगा, जी हमारा खादिम या हमारा लीडर ऐसा है जो न झुकता है न बिकता है। तो झुकना एक
जानवर की अलामत है, झुकना एक इंसान के खोए हुए मुकाम को पेश करता है। तो इबलीस ने उस 18 बरस की कुबड़ी औरत को उसके इंसानियत के असल मुकाम से गिरा दिया था, लेकिन यीशु मसीह जब आया तो उसने इंसानियत को दोबारा वो बहाली दी, दोबारा उसके मनसब पर खड़ा किया। और उसी हवाला में आप ये पढ़ भी सकते हैं कि 18 बरस की कुबड़ी औरत से के तारुफ में उसे ऐ औरत कहा गया है, औरत के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन उसी बात के थोड़े देर बाद जब यीशु मसीह ने उसे शफा दे दी और ये मौजज़ा वाज़े हुआ, सही तौर पर सबके सामने जाहिर हुआ, तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात उनके जवाब में उनको दलील देकर कही कि क्या मुमकिन ना था कि ये जो अब्राहम की बेटी है इस बंध से छुड़ाई जाती। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे वहां पर नई आइडेंटिटी दी, उसे रिस्टोर किया, उसे बहाल किया और एक आम औरत से अब्राहम की बेटी बनाया। तो जरा गौर कीजिए, हमारा मसीह, हमारा जो करीबी शराकतदार है, हमारा जो मसीहा है, हमारा जो निजात दहिंदा है, उसने भी हमें इंसानियत की मेराज पर दोबारा बिठा दिया। वो मुकाम जो इबलीस ने बाग अदन में आदम और हवा से छीन लिया, यीशु मसीह ने आकर दोबारा हमें दिला दिया। अब हम बराए रास खुदा से मिल सकते हैं, उसने दरमियान की बीच की दीवार को हटा दिया और अब हमारा बराह रास्त खुदा के साथ राबता हो गया और यीशु मसीह हमारा दरमियानी है। और ये इस बात की खूबसूरती को पेश करते हैं। मैं एक और चीज आपके साथ जरा शेयर करना चाहता हूँ कि वो हमारे लिए सेवियर है, यीशु मसीह हमारे लिए निजात दहिंदा है। और कलाम खुदा में लिखा है, ऑल थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ आर हिज एंड इफ वी आर हिज ऑल थिंग्स आर ऑर, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार और सारी चीजें खुदावंद यीशु मसीह की है। और अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारा है तो फिर सब कुछ हमारा ही है। वो हमारा रिडीमर है, वो हमारा छुड़ाने वाला है और उसने हमारा सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें छुड़ा सके। और आगे जाकर हम सुनेंगे, जानेंगे कि इसी तरह बोझ ने भी सारी जिम्मेदारी जो रूत की थी अपने ऊपर ले ली। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जिस तरह मैंने ये बात कही कि इस सबर शख्स के आने से हम देखते हैं कि रूत और नौमी की जिंदगी में एक बड़ी जबरदस्त और खूबसूरत तब्दीली जो है वो रोनुमा होती है। और यूं ये वाकया, ये कहानी, ये सिलसिला आगे बड़े मुस्बत अंदाज में भरता चला जाता है। हरकत, नाज़रीन हरकत का नाम जिंदगी है। गैर मुतहरक और साकत अशिया जिंदगी की नफी करती हैं। अब ये नहीं है कि मैं और आप किसी दुख की हालत में हैं, परेशानी की हालत में हैं, कर्जे हम पर आन पड़े हैं, या हम बेऔलादी का शिकार हैं, या और किसी तरह का मसला या दुख या तकलीफ ने हमें आन घेरा है, तो हम सिर्फ बैठे रहे, हम हाथ पर हाथ रखे रहे और कोई काम ना करें, हम सिर्फ उजर और बहाने तलाश करते रहे कि हम गरीब हैं, हम दुहाई देते रहे, हम पर इल्जाम लगाते रहे और खुद हरकत ना करें, खुद कोई काम ना करें, तो यह जिंदगी की नफी है। इंसानी जिंदगी का दारो मदार मेहनत, कोशिश और मुसलसल जदोजहद पर है। रूत इस राज से बाखूबी वाकिफ थी। औरत होने के बावजूद वो दूसरी बेसहारा औरत का सहारा बनी थी, जबकि आज कई औरतें जो है वो अपने आप को मजलूम, अपने आप को अब बड़ा परेशान समझती हैं और ये गुमान करती हैं कि शायद उनके साथ ज्यादती होती रहती है और वो अपने ज्यादती होने का रोना रोती रहती है, वो परेशान रहती है, अपना हाथ भी खराब करती है और अपना मुस्तकबिल भी खराब करती है। फिर वो ये बात समझती है कि शायद सारा काम या सारा जो बोझ है घराने का वो हम पर डाल दिया गया है, ये हमारा काम नहीं है। मैं बिलखसूस ऐसी बहुओं की बात कर रहा हूं क्योंकि रूत यहां पर एक खूबसूरत और एक बाबरकत और एक ईमानदार और एक मोहब्बत से भरी बहू के तस्वीर और आईने और किरदार को पेश करती है। तो ऐसी बहुओं के लिए भी ये खूबसूरत बात है कि वो ये मत समझें कि वो सारा काम अकेले करती हैं और अगर वो ये काम अकेले करती हैं, ये सारा काम उन्हें करना पड़ता है, तो ये खुदा का फजल है। खुदा उनके लिए आसानियां पैदा करेगा, खुदा उन्हें बरकत पर बरकत देगा। हम इस बात की मजीद वजाहत करेंगे और ज्यादा सीखेंगे कि किस तरह खुदा जब हम अपने बड़ों की खिदमत करते हैं तो हमें उठाता और सरफराज करता है। रूत मौका की मुनासबत से अपनी सास से जौ के खेत में बालें चुन
सुनने की इजाजत मांगती है। हालांकि वो ये कह सकती थी कि मैं तो बहू हूं, मैं दूसरे मुल्क से आई हूं, मैं यहां अजनबी हूं, मैं बेवा हूं और मैं जवानी की हालत में बेवा हुई हूं, तो मुझे बाहर जाना मुनासिब नहीं है, मैं बाहर दूसरों का सामना नहीं कर सकती, तो मेरी सास की जिम्मेदारी हूं मैं, मेरी सास आए वो मेरे खुराक का, मेरे लिबास का, मेरे आराम का वो ख्याल रखे। लेकिन उसने अपनी इस बात को, अपनी हैसियत को पहचाना और उसने अपने लफ्जों का, अपने कॉल का पास रखा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, और वो आगे बढ़ी है, उसने इनिशिएटिव लिया है, उसने पहल की है कि नहीं मुझे इजाजत दे ताकि मैं बाहर जाकर खेत में काम करूं, बाले चुनूं। और इसके पीछे मकसद ये था कि रूथ और नौमी दोनों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त हो सके, क्योंकि 10 साल का एक लंबा अरसा वो मुआब के मुल्क में रहकर आए हैं और मुमकिन है कि इस वक्त गरीब हैं, मुमकिन है इस वक्त उनके पास खाने पीने के लिए कुछ वसाइल नहीं है, और मुमकिन यह भी है कि उनके पास और कोई जरिया नहीं है। यहां पर ऐसे लोगों के लिए बड़ी खूबसूरत मिसाल है, ना उसने दूसरों की तरफ हाथ फैलाने की कोशिश की है, ना उसने बेकारी बनना पसंद किया है, ना खैरात और ना डोनेशन ना इमदाद पर उसका ध्यान गया है, ना उसने कहा है कि मैं किसी तरह से कोई गलत काम कर लूं, जिस्म फरोशी का काम कर लूं या दीगर और कोई गलत मीन्स जो है ये जराए जो है वो इस्तेमाल करूं ताकि अपने आराम, अपने लिबास और अपनी सास की खुराक का बंदोबस्त करूं, बल्कि उसने मेहनत करने का चुनाव किया। नाज़रीन, क्या मैं और आप ईमानदार होते हुए, या आप मेरी बहन और भाई, आप अपने घराने में बहू होते हुए, बेटी होते हुए, क्या हम अपने घराने का इस तरह इंतजाम करते हैं, क्या हम उनका ख्याल करते हैं, क्या हम उनके लिए इस तरह मोहब्बत के जज्बा से सरशार हैं, या हम सिर्फ अपनी जात के खौफ में मुकीद हैं कि हमारी जरूरत पूरी होनी चाहिए, हमारी कदर होनी चाहिए, हमारी इज्जत होनी चाहिए, हमारी सारी चीजें हमारे कहने पर मुहैया होनी चाहिए, दूसरों की हमें कोई परवाह नहीं। इसलिए रूथ की किताब का चुनाव मैंने इसी गर्ज से किया था ताकि मौजूदा हालात के तनाजुर में मैं इस तालीम को आप तक पहुंचा सकूं और इस तरह शायद खुदा तरस नस्ल, खुदा तरस घराने वो पैदा हो और खुदा तरस खवातीन ऐसी हों जो अमसाल 31वें बाब में मौजूद उस नेक सीरत औरत के किरदार को अपनी जिंदगी में अपनाए और यहां पर रूथ की किताब से ये बातें सीख कर वो अपने घरानों के लिए इज्जत का बाइस बने, उनके लिए बरकत का बाइस ठहरे। रूथ ने मुसम्मम पक्का इरादा किया था, क्योंकि नौमी ने उसे रोका लेकिन उसने कहा नहीं मैं जाऊंगी, और उसने इजाजत तलब की है और इजाजत के बगैर वो नहीं गई। नाज़रीन, जौ के ताल्लुक से जब बात करते हैं तो जौ के ताल्लुक से यह है कि जौ कदीम जमाने का एक गल्ला है जो इंसान और हैवान दोनों की खुराक है। इसका पहली मरतबा जिक्र हमें खुरूज के 9वें बाब की 31वीं आयत मुबारका में मिलता है। फिर मुल्क कैनान को जौ और गेहूं का मुल्क भी कहा गया है। इस्तिस्ना 8वां बाब उसकी 8वीं आयत पढ़ें जो घोड़ों की खुराक थी। पहला सलातीन 4था बाब और उसकी 28वीं आयत, लेकिन इसे इंसान भी खाते थे। कुजात 7वें बाब की 13वीं आयत और यूहन्ना 6वें बाब की 9वीं आयत में आप इन हवालों को पढ़ सकते हैं। मैं रेफरेंस के तौर पर यह दे रहा हूं और इसलिए मैं इस हवालों के इस लम्हा पढ़ने से एतराज कर रहा हूं ताकि मैं वो वक्त ज्यादा आपके साथ गुजार सकूं इसकी शेयरिंग में और आप इसे खुद से हवाला जात को पढ़कर जान सकें। जौ काटने के मौसम में बैतलहम में उनकी आमद खुश आयन थी। रूथ ने घर से बाहर जाने की इजाजत महज रस्मी तौर पर नहीं मांगी थी, बल्कि वो खेत में काम करने का मुसम्मम इरादा रखती थी। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और रद्द भी नहीं किया जा सकता कि रूथ अपनी सास से इजाजत तलब करती है। ऐसा करने से दर हकीकत वो मूसवी शरीयत के 5वें हुक्म को बजा लाती है, जहां पर लिखा है तो अपने बाप और अपनी मां की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। खुरूज 20वां बाब उसकी 12वीं आयत। शायद आप ये कह सकते हैं कि वो तो औलाद के लिए है, यहां औलाद नहीं, यहां तो ये बहू है, ये तो बाप और मां के लिए है, लेकिन यहां पर सास है। लेकिन बाप और मां, सास और ससुर एक ही हस्ती, एक ही हैसियत रखते हैं, लेकिन क्या मैं और आप ये काम कर सकते हैं? क्या आज हम
रूत की तरह ऐसी बहू होने का तासुर कायम कर सकते हैं, रूत की तरह ऐसी बहू बनने की तकलीफ कर सकते हैं जो अपनी सास को अपनी मां से भरकर प्यार करे, जो अपने ससुर को अपने बाप से भरकर प्यार करे, जो अपने खानदान के लिए, अपने ससुराल के लिए, अपने खावन के खानदान के लिए यूं दर्द और जज्बा और पैशन रखे। रूत ने ऐसा करके दिखाया और फिर जब उसने ऐसा किया तो खुदा की बरकत भी उस पर पड़ी। आप रूत की किताब पढ़ते हुए हमें अंदाजा होता है, यह एहसास होता है कि खुदा ने रूत को बूढ़ी सास की इज्जत और निगहदाश करने का अजर दिया। खानदान में जब हम होते हैं तो रिश्तों के दरमियान जिंदगी गुजारते हुए बुजुर्गों और बड़ों का एहतराम करना बड़ा लाजिम है। बड़ों और वालदैन से इजाजत तलब करना उनकी इज्जत करने का अमली सबूत है। वो नौजवान जो बूढ़े वालदैन को कम इलम, जाहिल और दक्किया नूसी समझकर अपने आम फैसलों में इन्हें शामिल नहीं करते, वो खुदा से बरकत कैसे पा सकते हैं। आज हमारे पास ये रिवाज है कि हम अपने बड़ों से इजाजत लिए बगैर खुदसरी और सरकशी का मुजाहरा करते हैं। और शमूएल की किताब पहली किताब का अगर आप मुताला करें तो नाज़रीन खुदसरी सरकशी बुतों की इबादत बुतों की पूजा के बराबर। और हम जब अपनी मर्जी आप पूरी करने की कोशिश करते हैं, अपने बड़ों की कदर नहीं करते, अपने असातिज़ा की रहनुमाई नहीं लेते, अपने वालदैन की रहनुमाई नहीं लेते, अपने सास अपने ससुर की इजाजत नहीं लेते, उनसे मशवरत नहीं लेते, तो किस तरह मुमकिन है कि हम अपने जिंदा खुदा से जो जिस्मानी तौर पर हमें नजर नहीं आता, जो रूहानी खुदा है, हम कैसे उससे मदद मांगेंगे, कैसे हम उससे मशवरत लेंगे। इसलिए जब हम जमीनी रिश्तों में वफादारी का मुजाहरा नहीं करते तो हमारी वफादारी किसी तौर पर भी हमारे खुदा के साथ भी दुरुस्त नहीं हो सकती। इसलिए आपसे भी ये इस्तदा है, जितने भी नौजवान इस लम्हा मुझे देख और सुन रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये इल्तिजा करूंगा, अपने बाप अपने मां की बहुत ज्यादा इज्जत करें, अपने असातिज़ा की इज्जत करें, अपने सास ससुर की इज्जत करें, उन्हें एहतराम दें, उनसे प्यार करें और खुदा की बात को माने, क्योंकि ये कलाम खुदा में हमें हुक्म मिलता है। रूत ने नौमी से खेत में जाकर बालें चुनने की इजाजत मांगी और नौमी ने नहायत प्यार और मोहब्बत से उसे रुख्सत किया और रूत जौ के खेत में बालें चुनने के लिए पहुंच गई। बाले चुनने के लिए अंग्रेजी में जो तर्जमा इस्तेमाल किया गया है वो है ग्लीनिंग, और इब्रानी मतलब में लफ्ज लाकात है जिसका मतलब है जमा करना, इकट्ठा करना, खोशा चीनी करना। ये लफ्ज बाइबल मुकदस में पत्थर जमा करने के लिए पैदाइश 31 बाब की 46वीं आयत में और रुपया पैसा जमा करने के लिए पैदाइश 47वीं बाब की 14वीं आयत में इस्तेमाल हुआ है। यहां पर यह लफ्ज फसल चुनने के लिए इस्तेमाल हुआ है। मूसवी शरीयत में खुदा ने अपनी परवरदिगारी करना या परवरिश करना और पालने के अमल को यूं बयान किया है, और जब तुम अपनी जमीन की पैदावार की फसल काटो तो तू अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना और ना कटाई की गिरी हुई बालें चुन लेना, बालों को चुन लेना, और तू अपने अंगूरस्तान का दाना दाना तोड़ ना लेना और ना अपने अंगूरस्तान के गिरे हुए दानों को जमा करना, उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। अहबार 19:9 आयत। अस्तिस्ना की किताब में जरूरतमंदों की फहरिस्त में यतीम और बेवाओं का जिक्र भी हमें मिलता है और उसके साथ बरकत का वादा भी मौजूद है। अस्तिस्ना 24:24 उसकी 19वीं आयत में आप इसे पढ़ सकते हैं। खुदा जो तमाम मखलूकात का खालिक और मालिक है वही उन्हें संभालता और उनकी निगहदाश्त करता है। वो अपनी मुट्ठी खोलता है और तमाम जानदारों को शेर और आसुदा करता है। हमारा खुदा ही है जो वाहिद परवरदिगार, कोई इंसान, कोई अमीर, कोई फर्द, कोई अदारा हमारा परवरदिगार नहीं है। इसलिए हम दूसरों के साथ अपनी सिर्फ जरूरत या अपनी खुराक या अपने लिबास के लिए समझौता ना करें, यह बुत परस्ती के बराबर है। हम अपने खुदा पर जो जिंदा है, जो सच्चा है, जो कादर मुतलिक है, जो अल गिबार है, उस पर भरोसा और तवक्कुल करें। यकीन जानेगा हमारा खुदा हमें किसी भी तरह शर्मिंदा ना होने देगा, वो हमारी पुश्त नहीं लगने देगा बल्कि हमारे पीछे आकर खड़ा होगा और हमें गिरे हुए को उठा खड़ा करेगा।
वो हमारे लिए अपने फजल को जारी करेगा। अगर मैं और आप उस पर तवक्कुल करेंगे तो यकीन जानिएगा, नदियां दरिया सूख सकते हैं, नहरें सूख सकती हैं, लेकिन हमारा खुदा जब अपने फजल के दरिया को बहाता है तो कोई भी उसमें हद या बंद बांध कर आपकी बरकात को रोक नहीं सकता। तो इसके लिए हमें अपने बड़ों की इज्जत और एहतराम करना, उनकी इजाजत लेना, खुदा के हुक्मों और अहकाम की पैरवी करना और फिर खुदा पर एज ए बतौर परवरदिगार भरोसा और तवक्कुल करना बड़ा जरूरी है। और कई बार अपनी बरकत को हम इसीलिए अपने हाथ से गवा देते हैं। खुदा हमें बरकत देना चाहता है लेकिन मेरा बुड़बुड़ाना, मेरा ना शुक्री करना, मेरा बड़ों की इज्जत ना करना मेरे लिए और मेरे घराने के लिए बेबरकती का बाइस बनता है। और बहुत सारी चीजें जो खुदा हमें देना चाहता है वो हमसे आहिस्ता आहिस्ता चली जाती है। अब किसी बड़े सियाने से पूछिएगा जिस घर में हर वक्त की चिक चिक लड़ाई झगड़े और बुड़बुड़ाना और ना शुक्री होगी, वहां से जिंदगी भी लौट कर वापस चली जाती है, वहां से बरकतें भी वापस चली जाती हैं। ऐसे घरानों में कभी भी आप बाफरात वसायल नहीं पाएंगे। वहां पर रोना होगा, वहां पर परेशानी होगी, वहां बीमारियां होंगी, वहां दर्द होगा। आए अपने रवैये से बदलें, अपने रवैये को तब्दील करें, अपने रवैये से बाज आए और खुदा पर अपने सारे मामलात को छोड़ दें। परवरदिगारी का ये अमल मसीह खुदा उनकी जमीनी जिंदगी में भी हमें नजर आता है। अगर हम नए अहदनामे का मुताला करते हैं, इंजील मुकदस के मुताबिक खुदा यीशु मसीह ने लोगों को उनके जिस्मानी और रूहानी दुखों से आजाद किया। अपने पीछे आने वाले लोगों को यीशु मसीह ने ना सिर्फ रूहानी और शरई तौर पर बल्कि उनकी जिस्मानी भूख और प्यास देकर भी उन पर तरस का मुजाहरा किया और उनके लिए खाने का इंतजाम भी किया। आप जानते होंगे 5 रोटियों और 2 मछलियों से खुदावंद यीशु मसीह ने 5,000 से ज्यादा लोगों को शेयर किया और फिर एक दफा चंद मछलियों से खुदावंद यीशु मसीह ने 4,000 से ज्यादा लोगों को वहां पर शेयर किया। खुदा की फिक्र, मेहरबानी और उसकी सारी निगहदाश्त के लिए हमें हमेशा उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। कलाम मुकद्दस के मुताला से हमें वाज़े तौर पर यह मालूम होता है कि इसराइल की माशियत का सारा जो दारो मदार था वो जर्रात पर था और खुदा ने साहिब हैसियत लोगों को यह हुक्म दिया था कि वो कटाई के वक्त सारी फसल ना काटे और काम करने वाले कारिंदों से और जो वहां पर बेवा हैं, जो यतीम हैं, जो बाले या सिते या अनाज की टहनियां गिर जाएं, उन्हें वापस मुड़कर ना उठाएं ताकि जरूरतमंद और गरीब लोग इससे अपनी जरूरत पूरी कर सके। फिर उसके जो खेत है उसके कोनों को भी नहीं काटना और अंगूरों की जो बेल है उसे भी पूरे तौर पर नहीं झाड़ना ताकि कुछ ना कुछ उसमें लगा रहे ताकि जरूरतमंद बेवा यतीम और मस्कीन जो है उससे उनकी गुजर बसर हो सके। और फिर यही मामला है, 6 साल वो जमीन में अनाज बोते थे, फसलें काश करते थे, फसलें लगाते थे और काश करते थे, लेकिन 7वां साल वो उसे छोड़ देते थे ताकि इस तरह के लोग जो है उनकी गुजर औकात होती रहे। इसका खैर एक और भी मायने है लेकिन मैं इसी तनाजर में इस बात को मुख्तसर पेश करके आगे बढ़ूंगा। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सब लोग उस हुक्म को पूरा नहीं करते जो खुदा देता है। इसीलिए खासतौर पर काजियों के जमाने में जब हर शख्स अपना चरवाहा खुद था, बहुत कम लोग उसके हुक्म की पासदारी करते थे या करते होंगे, क्योंकि रूत का यह कहना कि जो कोई करम की नजर मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालें चुनूं, इसका मतलब है हर शख्स वहां पर करम की नजर नहीं रखता, हर शख्स खुदा के हुक्मों की पासदारी नहीं करता था, हर शख्स खुदा के अहकाम की तामीर नहीं करता था, हर शख्स गरीबों, बेवाओं, यतीमों, मस्कीनों के लिए राम और तर्स के जज्बा से भरा हुआ नहीं हो सकता। मैं यहां पर यह बात भी आपके गोशगुजार करना चाहूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी मसीही ईमानदार को, किसी पासवान को ऐसा देखें कि आप उसके पास गए हैं और वो आपकी जरूरत पूरी नहीं कर सके, आप उनसे खाली हाथ वापस आ गए, उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको दुख दिया है और आप ये कह कर के ये मसीही ईमानदार है, ये खुदा का खादिम या खादिमा है, तो ऐसे खुदा की हम इबादत नहीं करेंगे जिसके लोग दूसरों के रहम और तर्स के जज्बा से ना भरे हों, या आप उनके कामों, उनके रवैये और मिजाज से हर्ट हो जाए, उनसे आपको ठोकर लगे। तो मैं आपसे इस्तदा करना चाहूंगा,
अजीजों याद रखिएगा, जान आपके लिए यीशु मसीह ने दी है, ना कि किसी पासवान ने, ना किसी मसीही ईमानदार ने। मैं और आप शायद दूसरों के लिए ठोकर का बायस हो सकते हैं, मेरा लिबास, मेरा बोलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा पहनावा, मेरा रवैया, मेरा मिजाज शायद दूसरों के लिए ठोकर का बायस हो सकता है। लेकिन हमें इंसानों पर अपनी निगाहें जमाने की बजाय, इंसानों पर अपनी निगाहें टिकाने की बजाय, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकना है, और बतौर खादिम भी हमें यीशु को मुतारिफ करवाना है। हमें अपने आप को रोल मॉडल के तौर पर सामने नहीं लाना, बल्कि हमें यीशु मसीह को पेश करना है, इंजील के जरिए से, पैगाम के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से, अपने ईमान के जरिए से, अपने रवैया के जरिए से, ताकि जो नए लोग आए हैं या जो नौ मरीद लोग हैं उनका ताल्लुक खुदा के साथ जुड़ जाए, वो खुदा के साथ मुंसलिक हो जाए, उसके बेटे को अपना निजात दिंदा जाने, उसके रूह से मदद पाए, और हम वाकई तौर पर उन्हें खुदा यीशु मसीह का शागिर्द बनाए, ना कि अपना शागिर्द। हम उन्हें खुदा के पीछे लगाएं, ना कि अपने पीछे लगाएं, वगरना लोग हर्ट होंगे और इससे मसीहत भरने की बजाय मसीहत में कमी का खासा नुकसान या खासा एहतमाल रहेगा। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के हुक्मों पर अमल करना है और खुदा पर तवक्कुल करना है। इंसान हमें रुला सकते हैं, इंसान हमें परेशान कर सकते हैं, और ईमानदार भी, चर्च में लोग जाने वाले लोग जो है वो भी शायद सारे हुक्मों को पूरे तौर पर ना मानते। ये बात इस बात की भी गमाजी करती है कि मसीहत कुछ और है और मजहब कुछ और है। मसीहत मजहब का नाम नहीं है, मसीहत एक रफाकत का नाम है, जिसमें सबसे पहली रफाकत हमारे साथी इंसानों के साथ होती है और फिर हमारे जिंदा खुदा के साथ होती है। ये दो तरफा रफाकत है, जबकि मजहब सिर्फ रसूम परस्ती का नाम है। मजहब इंसान की ऐजाद है, मजहब इंसान ने बनाया है। आए हम मजहब परस्ती, रसम परस्ती और तोहम परस्तियों को छोड़कर हम खुदा की तरफ आए, इस रफाकत में आ जाए, हम खुदा के साथ इंटीमेट रिलेशन में, एक ऐसे गहरे बंद में कायम हो जाए जिससे मौत, हाल, इस्तकबाल की चीजें, नंग, परेशानी, भूख, काल हमें जुदा ना करने पाए, और हम हबकूक की तरह कह सकें कि चाहे दरख्त अपना हासिल दे या ना दे, खेत अपना हासिल दे या ना दे, अंजीर अपना हासिल दे या ना दे, किसी जगह हमें वसाइल मिले या ना मिले, हम खुदा के साथ वफादार रहेंगे। वही खुदा जो मेरे पांव हरनी की से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों पर चलाता है। इसलिए जब रूत ने यह बात कही कि जो कोई मुझ पर करम की नजर करे, उसे शायद इस बात का एहसास था कि हर कोई खुदा के कलाम को नहीं जानता, खुदा की बातों को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। और ये मैंने पिछले पैगाम में भी ये बात शेयर की थी, मत्ती की इंजील सातवें में बाप की 21वीं, 22वीं और 23वीं आयत को मैंने आपके गोश गुजार किया था कि खुदा यीशु मसीह ने खुद ये कहा था कि हर कोई जो मुझसे ऐ खुदा कहता है आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। और उसकी मर्जी हमें खुदा के कलाम में लिखी हुई वाज़े तौर पर नजर आती है। लेकिन याद रखना चाहिए कि खुदा के हुक्मों पर वही अमल करते हैं जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं, और जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे जुड़े रहते हैं, जो उससे लिपटे रहते हैं, नाज़रीन वो बरकत भी पाते हैं। खुदा उनके थोड़े में उनको ज़्यादा सरफराज करता है, खुदा उन्हीं को अपने नाम के लिए और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदा ने ऐसे ही को लिया और तन्हा से खानदान कायम कर दिए, तन्हा से खुदा ने कबीले कायम कर दिए, नस्लें खड़ी कर दी। आए हम अपने आप को खुदा के हाथ में दें और खुदा से बरकत पाने वाले बन जाएं। रूत गरीब थी, बेवा और परदेशी भी थी, इसलिए वो खुदा की तरफ से दिए हुए इस हक को इस्तेमाल कर सकती थी। तहम रूत को मेहनत करके अपने लिए खुराक जमा करनी थी, क्योंकि जिंदगी को जारी रखने के लिए उनकी सबसे पहली जरूरत यही थी। मैं इसे और आगे पेश करता हूं। यहां यह बात काबिले गौर है कि खुदा गरीबों के लिए आसमान से हर लम्हा हर वक्त मन नहीं बरसाता, बल्कि बालें चुनने के इस हक के साथ खुदा मोहताजों को मेहनत और काम की तरफ रागिब करता है। ये आयत हमें मेहनत की अजमत का दर्श देती है सख्त गर्मी और धूप में। एक
एक करके फसल की बालें चुनना और काटना नहायत मुश्किल और एक मेहनत तलब काम था, लेकिन रूथ ने यह जिम्मेदारी बड़ी खुश असलूबी से कबूल की अपने लिए और अपनी सास नौमी के लिए, और इस फर्ज को निभाने के लिए वो हर कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। वो अपना गम भूल गई थी, वो अपनी जात भूल गई थी, वो अपने मां के घराने को भूल गई थी, वो अपने खुदा अपने देवी देवताओं को भूल गई थी। अब उसके सामने मुस्तकबिल था और उस मुस्तकबिल को मुस्तहकम करने के लिए सबसे पहले उसने खुदा पर भरोसा किया और दूसरा उसने मेहनत को इसका आलाकार बनाया, ये मेहनत के मेहनत करने के रास्ते को चुना। मौजूदा दौर में कलीसिया के ईमानदारों को और बिलखसूस उन नौजवानों को इस बात से आगाह होना चाहिए कि काम और मेहनत में बरकत है। अमसाल की किताब में कई ऐसी खूबसूरत आयात हैं जो मेहनत की अजमत को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश करती हैं, लेकिन अमसाल 10वें बाब की 4वीं आयत में आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। फिर अमसाल की किताब में यह भी खूबसूरत आयत मुबारक लिखी है, जिस शख्स को तो अपने काम में मेहनती देखता है वो बादशाहों के हजूर खड़ा होगा। खुदा की परवरदिगारी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि सुस्ती और काहली से हम हाथ पर हाथ धरे मादी नेमतों और बरकतों के लिए तलबगार रहें, बल्कि परवरदिगारी ये है कि गरीबों जरूरतमंदों के लिए वसायल मौजूद हैं, लेकिन रूथ की मानिंद उन्हें हिम्मत से जमा करना है। हालेलुया। मुकद्दस पालूस के अल्फाज भी यही है, जिसे मेहनत करना मंजूर ना हो वो खाने भी ना पाए। और हम क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा ही आकर हमारे मुंह में खाना डाल जाए, कोई दूसरा ही हमें आकर खाने दे जाए। हम बिलखसूस मसीही हम लोग मेहनत से जी कतराने लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे, लेकिन मैं जनरली अमूमी बात कर रहा हूं, इसमें ज्यादातर लोग जो है वो मेहनत से कतराने लगे हैं, वो आसान रास्ता ढूंढते हैं, वो किसी का हाथ देखते हैं। और ये काम सिर्फ ईमान आम ईमानदारों का नहीं है, बल्कि ये पासवानों का भी है। आज तो पासवान बनना या पास्टरशिप में आना या खिदमत करना या मिनिस्ट्री को चलाना जो है इस बात को एक इंडस्ट्री का दर्जा शायद मिल चुका है कि लोग कहते हैं कि जी आप कुछ भी ना करें तो पास्टर बन जाए तो आपके गोरे जो है वो आपको एड देंगे, मदद देंगे और आप अमीर से अमीर तर होते चले जाएंगे। और एक वजह ये भी है कि इसलिए आज बहुत ज्यादा पासवान जो है वो आपको नजर आते हैं, लेकिन उन पासवानों में मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूं कि बहुत सारे ऐसे संजीदा खुदाम भी मौजूद हैं, ऐसे जो बुलाए हुए हैं, ऐसे जो खुदा के कलाम से वफादार हैं, ऐसे जो किसी भी दुनियावी बात पर साजिशात पर समझौता नहीं करते, बल्कि वो खुदा पर मुकम्मल तौर पर तवक्कुल करते हैं। वो गाड़ी बंगला और बाहर जाना और दीगर बैंक बैलेंस और दीगर अजनास या चीजों की तरफ भागने की बजाय अपना वक्त खुदा की तरफ लगाते हैं, वो दुआओं में ठहरते हैं, उनका दुआया मजबा मजबूत है, वो खुदा पर मुकम्मल तौर पर तवक्कुल करते हैं और खुदा उन्हें मुहैया भी करता है, खुदा उनका परवरदिगार भी। लेकिन ऐसे भी हैं जो खुदा के कलाम पर समझौता कर लेते हैं, वो खुदा के कलाम को बिगाड़ कर पेश करते हैं, वो खुदा के कलाम को समझे जाने बगैर पेश करते हैं, वो खुदा के कलाम को पेश करने की बजाय कहानियां और किस्से और अपने ट्रिप्स और अपनी इमारत और अपने तजुर्बात बताते रहते हैं कि हम ये हैं हम वो हैं। वो आज खुदा के साथ जुड़ने की बजाय बड़े बड़े अदारों और बड़े बड़े नामों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। और एक तो ये रिवाज भी हो चला कि बड़े बड़े अफराद के साथ बड़े बड़े नामी खुदाम के साथ या लोगों के साथ तस्वीरें खिंचाएं, उन्हें अपने प्रोफाइल पर शेयर करें और खुद से मशहूर होते चले जाएं। तो अजीजों ये सारी बातें सारी चीजें उस वक्त तक बेकार और बेमायने हैं जब तक खुदा का हाथ आप पर नहीं। आए मेहनत करने की आदत अपनाएं और मेहनत करने को आम बनाएं। हम बिजनेस में आए, हम कारोबार करें, हम काम करें, थोड़ा या ज्यादा, अच्छा या बुरा, आपकी नजर में शायद वो काम बुरा हो लेकिन हर काम अच्छा है। जब हम मेहनत करते हैं अपनी मेहनत से अपने बाल बच्चों का पेट पालेंगे तो मेहनत में अजमत है और खुदा ऐसे लोगों को उठाता है, खुदा की परवरदिगारी उनके लिए वाफर मकदार में दस्तयाब रहती है और खुदा उन्हें गिरे हुए नहीं रहने देता, खुदा उन्हें दुम नहीं रहने देता, बल्कि खुदा ऐसे ही लोगों को सर बनाता है, खुदा ऐसे ही लोगों को उठा खड़ा करता है। और यहां पर हम देखते हैं कि रूथ
और नौमी के लिए खुदा ने उनकी मेहनत का अजर किस खूबसूरती के साथ दिया। क्या आप इस काम को करने के लिए अपने आप को खुदा के हाथ में देते हैं? क्या आप अपने घर से निकलते वक्त अपने बड़ों से इजाजत तलब करते हैं? क्या आप मेहनत करना पसंद करते हैं? इन बातों को जरा ध्यान से सोचिएगा। और फिर बड़ी आगे खूबसूरत बात निकलती है तीसरी आयत में, जो कि हमारी इस पैगाम की आखिरी आयत होगी, कि रूत इत्तफाक से बोएस, जो उसके ससुर अली मलक का रिश्तेदार था, के खेत में जा पहुंचे। इंसानी निगाह में ये महज इत्तफाक या तकदीर का हमें खेल नजर आता है, लेकिन हकीकत में उसके इंतहा में खुदा का खास मंसूबा कार फरमा था। एक माहिर इल्म इलाहियात यूं रकम तराज है कि अपने घर से निकलते ही रूत खुदा के ना दीदा ना नजर आने वाले हाथ की रहनुमाई में चलते चलते बोएस के खेत में पहुंच गई। अजीजों, जब मैं और आप खुदा के साथ वफादार होते हैं तो हमारा खुदा खुद हमारे लिए रास्ते पेव करता है, हमारा खुदा खुद हमारे लिए रास्ते बनाता है। और यहाँ पर भी हमें नज़र आता है खुदा रूत के लिए और फिर नौमी के लिए भी रास्ता बना रहा है। खुदा हमारी मेहनत का अजर हमें ज़रूर देता है। हम सिर्फ खुदा से मांगे, खुदा का दरवाज़ा खटखटाएं, हमारा खुदा हमें गिरे हुए नहीं रहने देगा। यकीनी तौर पर खुदा ने रूत की रहनुमाई की। खुदा हुक्मरान है, खुदा बा इख्तियार है। अगर आप मुकाशफा की किताब पढ़ें तो वहां पर आपको नजर आएगा, लिखा हुआ मिलेगा कि खुदा तख्त नशीन है। और अगर खुदा तख्त नशीन है तो इससे मुराद यह है कि खुदा आसमान के तख्त पर जब तख्त नशीन है और आसमानी बाप के दाहिने हाथ बैठा है, तो ये इस बात की अलामत और गमाजी है कि हमारा खुदा सल्तनत करता है। वो आसमान के नीचे जितने भी बादशाह हैं, सदूर हैं, वुजरा हैं, जितने भी ममलकतें हैं, सल्तनतें हैं, उनका मालिक हमारा खुदा है। वही है जो बादशाहों को बरपा करता है, वही है जो बादशाहों को माजूर करता है। वो हमारा जिंदा खुदा है। हमें उस पर तवक्कुल करने की जरूरत है। हम हौसला ना हार जाएं, हम मायूस ना हो जाएं, हम हिम्मत ना खो दें, हम भरोसा खुदा पर छोड़ ना दें, हम खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखें और मुसम्मम ईमान रखें। हमारा खुदा हमारे लिए खुद से खुद रास्ते बनाता चला जाता है। उसने अजल से मसीह खुदावन की पैदाइश के लिए जो मंसूबा ठहराया था उसमें रूत और बोएस की शमूलियत मौजूद थी। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि रूत और बोएस की मुलाकात महज एक इत्तफाक था। वही रूत जो मुआबी औरत है, उसे खुदावन यीशु मसीह के नसब नामे में शामिल होना था और ये खुदा का एक इंतज़ाम था। इसलिए खुदा ने रास्ता तैयार किया और बोएस और रूत को यहाँ पर मिलाया है। और ये एक इत्तफाक नहीं है। कलामे मुकद्दस के मुख्तलिफ वाक्यात में खुदा ने मुख्तलिफ तरीकों से लोगों की रहनुमाई की है। पैदाइश 12वें बाब की पहली दो आयात पढ़ें तो बराए रास्त गुफ्तगू के जरिए खुदा ने लोगों की रहनुमाई की है। पैदाइश 16वें बाब की 7वीं आयत से 12वीं आयत, लूका की इंजील पहला बाब 26वीं आयत से 38वीं आयत तक पढ़ें तो खुदा फरिश्तों के जरिए से अपने लोगों की रहनुमाई करता है। मत्ती की इंजील पहला बाब 20वीं आयत पढ़ें तो खुदा रोया या ख्वाब के जरिए से अपने लोगों की रहनुमाई करता है। रूत के सिलसिले में खुदा ने कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया, बल्कि खुदा ने उसके कदमों की रहनुमाई की और वो चलते चलते बोएस के खेत में पहुंच गई। ऐसा बयान हमें पैदाइश 24वें बाब की 48वीं आयत में भी मिलता है कि रूत के सिलसिले में खुदा हमें कार फरमा नजर आता है। और पैदाइश 24वें बाब की 48वीं आयत में जहां अब्राहम का नौकर इस बात का एतराफ करता है कि खुदा उसे ठीक राह पर चलाकर उसके मालिक के घराना में इजहाक के रिश्ता के लिए रिबका के पास पहुंचाता है। खुदा हमारे लिए यकीन जानिए रास्तों को हमवार करता है, बंद दरवाजों को खोलता है, लेकिन ये मौजजात ये बरकत सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने बाप, अपनी माँ, अपनी सास, अपनी ससुर की इज्जत करते हैं, जो अपने बड़ों की इजाज़त तलब करते हैं, जो मेहनत को अपना नश्वुल्लैन बनाते हैं, जो सुस्ती और काहली से दूर रहते हैं। रूत के मामला में ये मुकम्मल तौर पर सरासर खुदा का
फजल था। रूत ने मुकम्मल तौर पर खुद को खुदा के सुपुर्द कर दिया था, इसलिए खुदा ने मुकम्मल तौर पर उसके कदमों की रहनुमाई की और उसे दुरुस्त जगह पर लाया और दुरुस्त तौर पर चलाया और खुदा के निजात बख्श मंसूबे का हिस्सा बनने के लिए बोअज के खेत में पहुंच गई। इस आयत में लफ्ज इत्तफाक, जिसे हम चांस भी कहते हैं, पर एक आलम यूं रकम तराज है। जिंदगी में पेश आने वाले वाकयात की इंतहा में खुदा की हाकमियत रूत की किताब में हमें नुमाया तौर पर नजर आती है। अगर किसी वाक्य में खुदा बराह रास्त नजर नहीं आता तो इसका यह मतलब नहीं कि वहां खुदा मौजूद नहीं था या मौजूद नहीं है। इस हवाला में अगरचे आम इंसानी तौसर यह बयान किया गया है, लेकिन इसके पस मंजर में खुदा का इख्तियार और खुदा की वाज़े मर्जी हमें साफ दिखाई देती है। यह हकीकत है और इसमें शक की गुंजाइश नहीं कि खुदा ऑलमाइटी है, खुदा मुख्तारे कुल है, वो इल गैबूर है, अल गिबूर है। अपनी जिंदगी में खुदा की रहनुमाई हासिल करने के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द करने की हमें जरूरत है। इस पैगाम को सुनते हुए क्या आप अपने ख्याल, अपने इरादे और सोच को खुदा के ताबे करते हैं? क्या आप अपनी खुदी का इनकार करते हुए जिन रिश्तों में आपको पिरोया गया है, जो रिश्ते खुदा ने आपके लिए बनाए हैं, आप उनके अपने उनको अपने लिए इज्जत की जगह पर रखते हैं? क्या आप उनका एहतराम करते हैं? क्या आप उन रिश्तों की पासदारी करते हैं? क्या आप मेहनत करने को अपना नस्बुलैन बनाते हैं? क्या आप खुदा के अहकामात, खुदा के कलाम की अमल पजीरी करते हैं, उस पर अमल पैरा होते हैं, या महज हम सुनने वाले हैं, या महज हम खुदा को जानने का दावा करने वाले हैं? हम मसीही हैं या हम मजहबी हैं, ये फैसला आपने करना है। क्या आप पाक रूह के तलबगार होते हैं? क्योंकि खुदा का पाक रूह जो है वो मेरा और आपका बेहतरीन मददगार है। तो क्या मैं और आप रूह कुदस से मामूर होना चाहते हैं, रूह कुदस से भरना चाहते हैं, ताकि रूह कुदस हमें दुरुस्त तौर पर गामजन करें, हमारे कदमों की रहनुमाई करें, हमें उस जगह पर ले आए जिस जगह पर खुदा हमें लाना चाहते हैं? या हम खुदा से तेज चलते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, सरकशी करते हैं? और मैंने पहले भी बयान किया कि सरकशी, बगावत, नाफरमानी, खुद सरी, बुत परस्ती के बराबर है। और ख़ास तौर पर ये औलाद जान जाए, लड़के लड़कियाँ बहुएँ तमाम ये बात जान लें, जो अपने बड़ों की बात नहीं मानते, नाफरमानी करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, ये बुत परस्ती के ज़ुमरे में है। वो जितनी मर्जी दुआएं कर लें, जितना मर्जी कलाम पढ़ लें, वो बुत परस्ती के ज़ुमरे में है। और रोमियो के ख़त की आयत के मुताबिक है कि उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद नहीं की, इसलिए खुदा ने उनको उनके बातिल ख्यालात में पड़ा रहने दिया। बेसिकली तो ये उन बुतप्रस्त अफराद के लिए है जिन्होंने खुदा को जाना नहीं। खुदा ने उन पर कई तरह से अपने आप को जाहिर किया कायनात के जरिए से, नेचर के जरिए से, लेकिन वो खुदा को जान नहीं पाए। लेकिन ये बात अमूमी तौर पर मेरे और आपके लिए भी है, इसलिए याद रखिएगा, बहुत मरतबा हम सिर्फ दुनियावी हिकमत पर भरोसा करते हैं, तकिया करते हैं, जो बिल आखिर हमें तबाही और बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा करती है। लेकिन जो मसीह यसु की हिकमत के मुतलाशी हैं, जो खुदाए रूह कुस के मुतलाशी हैं, वो रूत की माने दुरुस्त मंजिल पर पहुंच जाते हैं। क्या खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ? यूहन्ना 14 बाब की 6 आयत में सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह की रहनुमाई में हम अपनी हकीकी मंजिल यानी हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँच सकते हैं। आए हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर लें, आए हम अपने घर में मौजूद अपने तमाम रिश्तों की कदर करना शुरू कर दें, आए हम खुदा की इज्जत और एहतराम करना शुरू कर दें, आए हम खुदा के कलाम को पढ़ना और इस पर अमल करना अपनी आदत और अपना शौक बना लें। नाज़रीन, मेरा ईमान है आज के इस पैगाम के वसीला से आपने बरकत पाई है।